उधर किसे होर बैच नूं हुण सौंपिया जाएगा बिक्रम मजीठिया दा मामला, बेंच बदली जाएगी। जस्टिस मसीह दे बेंच ने खुद नूं इस मामले तो वख कर लिया। बिक्रम मजीठिया की जमानत अर्जी ते अज सुनवाई हुई ते हाई कोर्ट दे चीफ जस्टिस कोल हुणे मामला जाएगा। चीफ जस्टिस किसे होर बेंच नूं इह केस सौंपणगे। सो यह वड्डा फेरबदल इस मामले दे विच होण जा रहा है। हुण तक बिक्रम मजीठिया नूं जमानत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों मुताबिक वो सरेंडर करने के लिए पहुंचे सी, जिथे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया सी। ते ओ दिन दा अज दा दिन मुड़ के उन्हां दी जमानत पटीशन कबूल नहीं हुई। तो हुण जो है वो जस्टिस मसीह होरां दे बेंच ने खुद को इस मामले तो वक कर लिया। इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे साडे सहयोगी नितिका साडे नाल जुड़ चुके ने। नितिका महेश्वरी, नितिका की कुछ जानकारी है फिलहाल, की कारण जस्टिस मसीह ने इस बेंच ने इस मामले तो खुद को वक किया? बिल्कुल, देखो उसका कोई कारण जड़ा है वह जजिस का दसना जरूरी नहीं है। उन्होंने खुद को रिक्यूज किया है इस केस तो। हालांकि तुम दस दी कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन रख लिया गया सीगा हॉलीडेज तो पहला, तो अजिहा लग रहा सीगा कि शायद कोई ना कोई फैसला जड़ा है वह बिक्रम मजीठिया की जमानत याचिका से आ जाएगा। पर कोर्ट ने दो दिन पहला इस केस को री हियरिंग से लगाया, तो अज री हियरिंग के दौरान जस्टिस मसीह के बेंच ने खुद को इस केस तो अलग कर लिया। हूँ यह जो केस है वह चीफ जस्टिस को जाएगा, तो चीफ जस्टिस किसी होर बेंच को यह केस जरा है रेफर करेंगे। हूँ देखना होगा कि किन्नी देर तक ये जो केस है वह किसी दूसरे बेंच को जाता है। पर यह दस दिए कि हूँ समा होर भी लग जाएगा, क्योंकि पहला सारी जी हियरिंग सुनवाइया ऑलमोस्ट पूरी हो गई सी। जिहड़े बिक्रम मजीठिया के वकील ने उन्होंने अपना पक्ष रख लिया, पर एक बार फिर तो कह सकते हैं कि जीरो तो शुरू होएगा दोवें, चाहे वह बिक्रम मजीठिया के वकील ने या फिर सरकार अपना अपना पक्ष रखेगी। यानी कि बिक्रम मजीठिया फिलहाल जेल के ही रहना पड़ेगा जो तक किसी होर केस से किसी होर बेंच से इस केस की हियरिंग नहीं लगती, ते नाल ही कोई ना कोई फैसला नहीं आता। अज जस्टिस मसीह बेंच ने खुद को इस केस तो नितिका इस दे नाल दिक्कत होर वधेगी या फिर यह कहा जा सकता है कि कुछ चांस होर पॉजिटिव इस केस दे विच बिक्रम मजीठिया दे हक च आ सकते हैं? हमें तो देखो इस वेले कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिलहाल एक बार जब दूसरे बेंच से केस लगेगा फिर तो जीरो तो कह सकते हैं कि प्रोसीडिंग शुरू हो गया। यानी कि हियरिंग जी है सुनवाइया का दौर एक बार फिर तो शुरू होगा, क्योंकि जो इस बेंच की गल की जाए तो इस इतने बिक्रम मजीठिया के वकील ने भी तो सरकार ने अपना अपना पक्ष रख दिया सीगा, तो कोर्ट ने फैसला भी सुरक्षित रख लिया सीगा। पर फिर रीहरिंग से लगाया तो खुद को अलग कर लिया इस केस तो वक कर लिया। तो कह सकते हैं कि फिलहाल देखना होगा कि कदों तक किसी दूसरे बेंच से यह केस लगता है, तो उदों किस तरह दुनवाइया जो होंगे ने कि बिक्रम मजीठिया रिलीफ जो कोई मिलता है या नहीं, क्योंकि लगातार उन्होंने वालों कोशिशा की जा रही ने। पहला उन्होंने लोअर कोर्ट का रुख किया, उस तो बाद वालों पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया गया, उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी गए। पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया सीगा कि सरेंडर जो बिक्रम मजीठिया करना पड़ेगा, जिस तो बाद वालों मोहाली कोर्ट के सरेंडर जो किया गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नितिका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। सो जस्टिस मसीह दे बेंच ने खुद को इस मामले तो वक कर लिया। बिक्रम मजीठिया की जमानत अर्जी से अज सुनवाई हुई, तो हुण हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कोले मामला जाएगा, तो उन्हां वल्लों किसी नवे बेंच नूं इह मामला सौंपिया जाएगा। यानी कि एक बार फिर तो जीरो तो शुरुआत होएगी। हालांकि यह शुरुआत इस केस च बिक्रम मजीठिया के हक च जाएगी या नहीं, यह जरूर देखने वाला विषय होएगा। पर फिलहाल बिक्रम मजीठिया की जमानत अर्जी का मामला लटकता नजर आ रहा। किसी होर बेंच नूं हुणे केस सौंपिया जाएगा, क्योंकि जस्टिस मसीह दे बेंच ने खुद नूं इस मामले तो वक कर लिया है। बिक्रम मजीठिया की जमानत अर्जी ते अज हुई है सुनवाई तो बाद हुण हाई कोर्ट दे चीफ जस्टिस कोले मामला जाएगा, ते उह किसी होर बेंच नूं इह मामला सौंपणगे।